असफलता एक विकल्प है। अगर आप काम कर रहे हैं और आप असफल नहीं हो रहे हैं, मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ये शब्द हैं दुनिया के सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी एंटरप्रेन्योर में से एक इलॉन मस्क के। ये कहानी शुरू होती है 1971 से। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एक लड़के का जन्म हुआ। माँ बाप ने नाम रखा इलॉन। इलॉन अपनी उम्र के बाकी बच्चों से काफ़ी अलग थे। जहाँ उस उम्र में बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, वहीं इलॉन का मन पढ़ाई लिखाई में कुछ एक्स्ट्रा लगता था, और पढ़ाई लिखाई से भी कहीं ज़्यादा मन उनका कंप्यूटर्स में था। उनके कंप्यूटर के इंटरेस्ट को इस बात से जाना जा सकता है कि केवल 11 साल की उम्र में इन्होंने एक गेम बना दिया ब्लास्टर नाम का, और बाद में उसे $500 में बेच भी दिया। इलॉन की जब स्कूलिंग हो रही थी तो काफ़ी पढ़ाकू लड़के थे, और जैसा क्लास में होता है कि एक पढ़ाकू लड़के को बाकी लड़के काफ़ी परेशान करते हैं। एक बार इलॉन को कुछ लड़कों ने सीढ़ियों से धक्का भी दे दिया। एक बार कुछ लड़कों ने उनको इतना मारा कि वो बेहोश तक हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। कुछ सालों बाद इलॉन की स्कूलिंग कंप्लीट हुई। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले लिया, और उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लिया। पर पीएचडी करते हुए उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि शायद वो इसके लिए नहीं बने। उन्हें पढ़ाई लिखाई आगे नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने बिजनेस में हाथ आजमाना चाहिए। उन्होंने डिसाइड कर लिया उन्हें बिजनेस करना है। अब इलॉन को जब बिजनेस करना था, उनका इंटरेस्ट केवल एक ही था, टेक्नोलॉजी। सो 1995 में इलॉन ने कंपनी स्टार्ट की जिप टू नाम की, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कुछ सालों बाद कॉम्पैक्ट न्यूज कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया। इलॉन को अपनी शेयर होल्डिंग बेचने पर $22 मिलियन की एक बड़ी रकम मिली। इलॉन के पास एक अच्छा ऑप्शन था कि वो अब काम छोड़कर आराम करें, बाकी लाइफ उनकी आराम से कट सकती थी इतने पैसे के साथ। पर जिसके मन में एक भूत सवार हो कि मुझे कुछ नया करना है, वो कैसे बैठ सकता था? उन्हें अभी भी कुछ नया ही करना था। सो 1999 में उन्होंने एक और कंपनी स्टार्ट की, x.com नाम की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी थी। इस कंपनी को कुछ टाइम चलने के बाद इस कंपनी को इन्फिनिटी नाम की कंपनी से मर्ज कर दिया गया, जो कि एक मनी ट्रांसफर सर्विस थी। इन दोनों कंपनियों के मर्जर से एक नई कंपनी बनी पेपॉल नाम की, जो कि आजकल वर्ल्ड वाइड में काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोकप्रिय है। सन 2002 में ईबे ने पेपॉल को 1.5 बिलियन की बड़ी रकम चुकाकर परचेज कर लिया। अपनी शेयर होल्डिंग बेचकर इलॉन को $165 मिलियन की एक और बड़ी रकम मिली। उनके पास फिर से एक ऑप्शन खुला कि अब वो आराम से क्विट कर सकते हैं, अपना काम छोड़कर आराम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। पर उनको फिर से कुछ नया करने की इच्छा थी। वो अभी भी कुछ करना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। सन 2002 में उन्होंने एक और कंपनी स्टार्ट की, SpaceX नाम की, जो कि स्पेस लॉन्च इक्विपमेंट्स बनाती है। और इस कंपनी के लिए उन्होंने $100 मिलियन इन्वेस्ट किए। अभी भी उनके पास पैसा था, पर वो रिस्क लेना चाहते थे, इसलिए सन 2003 में उन्होंने एक और कंपनी एस्टेब्लिश की, टेस्ला नाम की, जो आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इलॉन हमेशा से फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पर काम करना चाहते थे, फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते थे। शायद यही चीज़ थी कि उन्हें जो प्रेरित करती थी कुछ नया करने के लिए। खुद पे अगर भरोसा रखा जाए और अपने क्राफ्ट पर, अपने काम पर पूरा 100% एफर्ट दिया जाए, तो आदमी वाकई में क्या नहीं कर सकता है।